नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह लेकर आया हूं आपके सामने हफ्ते भर की बकवास से लेकर झकास खबरें। हमारा एम है कि हम आप तक वो खबरें पहुंचा दें जिनसे हमारे देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो आप तक पहुंच जाए, और वो खबरें भी जिन्हें देखकर आपको मिलना तो कुछ नहीं है लेकिन मजे लेने में बुराई क्या है। इस हफ्ते ये मीम इंटरनेट पर पूरी शिद्दत से छाया रहा, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस देश से आती है वहीं के एक बैंक में मामला ढंग से फंसा हुआ है। हुआ ये कि अमेरिका का 14 सबसे बड़ा बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। 14 मैंने हिंदी में नहीं बोला, नहीं तो तुम लोग कुछ और समझकर कमेंट में मजे ले लेते। लास्ट वीक में सिलिकॉन वैली बैंक ने कहा कि वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए पूरे 2.25 अरब डॉलर के शेयर्स बेचने जा रही है। इस खबर के बाहर आते ही बैंक के इन्वेस्टर्स को कुछ गड़बड़ी लगी और उन्होंने अपने पैसे खींचने शुरू कर दिए। मतलब दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स के लिए वो लोन लेने जा रहे थे उन्हीं इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया था। अब बैंक के पास पैसा नहीं है अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि बैंक ने इतना लोन दिया नहीं था कि इंटरेस्ट कमा पाए, और बैंक के पास इतना पैसा है नहीं कि स्पीड में सबको पैसे दे पाए। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मामले में बैंक के सीईओ पर केस किया गया है, क्योंकि एलिजिबली उन्होंने घाटे की खबर से पहले ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट बैंक से निकाल लिया था। मतलब अगर कुछ ऐसा आगे हो जाए जो उसके साथ हो रहा है तो उनका पैसा सेफ रहे। हेलो, अरे सारा पैसा निकाल लो, बैंक डूब जाएगा। अरे कौन क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, हमारा बैंक है, हमको पता है डूब जाएगा, हम फैसला ही ऐसा लेने वाले हैं। वैसे अमेरिका तक आ गए हैं तो उस खबर की भी बात कर लेते हैं जिसने इंडिया को फिर से प्राउड मोमेंट वाली फील दे दी है। जी हाँ, इंडिया ने इस बार एक नहीं बल्कि दो दो ऑस्कर अपने नाम किए हैं। जिस नाटू नाटू सॉन्ग पर जूनियर NTR और रामचरण ने पूरी दुनिया को नचाया, उसी नाटू नाटू ने ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अपने नाम कर लिया है। और इसमें सबसे बड़ा थैंक्स मिलना चाहिए SS राजामौली सर को, इसलिए नहीं कि उन्होंने मूवी में इस गाने को रखा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्सनली इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा था। हमारी गवर्नमेंट ने जिस मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा था वो तो शुरुआत में ही बाहर हो गई थी, यानी अगर SS राजामौली सर ना होते तो शायद इस साल भी हमें एक ऑस्कर मिलने से रह जाता। ऑस्कर अवार्ड्स में एक और अवार्ड इंडिया को मिला है, और वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। द एलिफेंट विस्पर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। इस मूवी में इंसान और बेबी एलिफेंट के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है, कैसे एक कपल हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है और उसकी केयर करता है, ये सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जब टाइम मिले तो जरूर देख लीजिएगा। जर्नलिज्म वैसे भी हमारे देश में बहुत कम बचा हुआ है, और जिन लोगों से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी उन लोगों के कर्म कुछ ऐसे हैं कि हर चीज से धीरे धीरे भरोसा उठने लगता है। बिहार में अपने कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो से वायरल हुए मनीष कश्यप के लिए ये हफ्ता किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मतलब पहले इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने बोला कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बाद में पता चला कि उनका ये वीडियो ही फर्जी है। अब बात आगे बढ़ी तो मामला दर्ज किया गया। उसके बाद इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, और इस बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे। मतलब फेक न्यूज के खिलाफ सरकार ने पूरी कमर कसकर तैयारी की है, लेकिन कई और बड़े लोग हैं जो ऐसी फेक न्यूज फैलाते हैं, उन पर सरकारें कब होश में आएंगी ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, कुछ लोग हैं, बाकी आप देख लो। हमारे देश में इस समय अगर कोई एजेंसी सबसे ज्यादा फास्ट है तो वो है ED। मतलब इसके निशाने से इस वक्त कोई नहीं बच पा रहा। ED इस रेट से रेड कर रही है कि जैसे अक्षय कुमार अपनी मूवीज बनाते हैं। खैर, इस समय तो दोनों के हाथ कुछ नहीं लग रहा। इस बार ईडी ने रेड डाली है बिहार के RJD चीफ तेजस्वी यादव के घर पर। एक 14 साल पुराने करप्शन केस में ईडी इस समय पूरे लालू यादव की फैमिली को रडार पे लिए बैठी है। बात तब की है जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, और कहा जाता है कि उन्होंने जमीन के बदले रेलवे की ग्रुप डी में भर्ती घोटाला किया था। CBI का कहना है कि पटना में लालू यादव की फैमिली ने 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को समन जारी किया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को 15 मार्च को अदालत में पेश होना है। अब बात कर लेते हैं हमारी सोसाइटी के उस हिस्से की जिसे आज भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में फिल्में मिलती हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये बात बहुत क्लियर नहीं हो पाई थी कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल है या फिर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पिटीशन का जमकर विरोध किया। सेंटर ने पूरे 56 पेज का हलफनामा दिया है ये बताते हुए कि क्यों सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लागू नहीं होनी चाहिए। सेंटर का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IPC की 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेटिशनर समलैंगिक शादियों के लिए मौलिक अधिकार का दावा करेंगे।
सेंटर ने सेम सेक्स मैरिज को इंडियन फैमिली के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट बताया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में यह भी कहा कि अगर दो सेम सेक्स वाले लोग शादी करेंगे तो बच्चे को गोद लेंगे और इस बच्चे को गोद लेने पर सवाल उठेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यह मामला सौंप दिया गया है और अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। वैसे आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दुनिया में सबसे फनी चीज ना मिल रही हो तो इस देश की न्यूज पढ़ा करो, कसम से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि या तो पेट पकड़कर हंसने लगोगे नहीं तो सिर पकड़कर बैठ जाओगे। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्स लेजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान की जान खतरे में है, ऐसा खुद इमरान खान का कहना है। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके घर पर इनको पकड़ने पाकिस्तान की पुलिस आ गई थी। अब ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी, तो भाई साहब पर आरोप है गिफ्ट्स में घपला करने का। अब देखो पाकिस्तान में ये होता है कि जब पीएम किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो उसे जो गिफ्ट मिलते हैं उन्हें तोशा खाना या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जमा कर दिया जाता है। अब इमरान खान साहब पर आरोप ये है कि जब ये पीएम थे तब इन्हें पूरे 14 करोड़ के गिफ्ट मिले, इसे इन्होंने पहले जमा कराया फिर इन्हें सस्ते दामों में खरीद लिया और उसके बाद महंगे रेट पर बेच दिया। इस पूरे काम में इन्हें 5 करोड़ रुपए का फायदा मिला है और ये काम करने के लिए इन्होंने बकायदा एक कानून भी बदलवा दिया। कसम से अगर 5 करोड़ के लिए कोई पीएम इतना पागल हो सकता है ना तो उस देश के बारे में क्या ही बोलूं। इस हफ्ते अगर किसी के लिए सबसे बुरी खबर आई है तो वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक 13 साल पुरानी पिटीशन को रद्द कर दिया है जिसमें भोपाल गैस एक्सीडेंट में मारे गए लोगों को एक्स्ट्रा 7,800 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के फेवर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता, पीड़ितों को नुकसान की तुलना में 6 गुना ज्यादा मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। बाकी इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इस कंपनी से और मुआवजा लिया जाना चाहिए, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली खबर है बॉलीवुड से और खबर है इंटरेस्टिंग क्योंकि इस हफ्ते एक मूवी का ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ जिसके बाद फैंस भड़क गए। नहीं, फैंस बैन करने की मांग नहीं कर रहे लेकिन उनकी डिमांड कुछ और है। और इसी समय पर OMG 2 का पोस्टर लॉन्च हुआ और ये भी अनाउंस किया गया कि ये मूवी OTT पर रिलीज होगी, इसे सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके बाद से अक्षय के फैंस भड़के हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फिल्म OTT पर रिलीज होनी चाहिए उसे आप थिएटर में रिलीज कर देते हो और जो फिल्म थिएटर में रिलीज होनी चाहिए उसे आप OTT पर रिलीज कर रहे हो। भाई चल क्या रहा है। वैसे ये मूवी कैसी होगी और कैसी नहीं होगी ये तो मूवी के आने के बाद पता चलेगा, लेकिन मेरी यहाँ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये मूवी आ रही है तो इसे बाकी मूवीज की तरह 2 महीने के अंदर खत्म मत कर देना। पता चला कि पृथ्वीराज में नकली मूछ लगा के शूटिंग कर रहे हो, पता चला कि किसी एक मूवी को आपने 2 महीने में खत्म कर दिया, उसकी रिसर्च भी कमजोर रह गई और मूवी उसकी वजह से फ्लॉप हो गई। क्योंकि मूवी में सिर्फ अक्षय कुमार तो है नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। खैर अक्षय कुमार को छोड़ देते हैं, अभी जो भाईजान की मूवी आने वाली है किसी का भाई किसी की भाईजान, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी हमारी नई पेशकश, हमने इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले ऐसी और भी वीडियोस लेकर आपके सामने आने का। बहुत धन्यवाद।